खबर बांदा जनपद से, जहां बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुरवल गांव के पास एक बोट पे सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर युवक की मौत हो गई। वहीं राहगीरों ने देखा तो एम्बुलेंस की मदद से बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुरवल गांव के पास का है, जहां बबेरू कस्बे के नहर पटरी के पास के रहने वाले अशोक कुमार उर्फ बउआ पुत्र सत्यनारायण उम्र 40 वर्ष या मोपेड गाड़ी खरीदा था। खरीदने के बाद बांदा आरटीओ ऑफिस पर पहुंचकर ट्रांसफर करवाने के लिए बुधवार को गया था। गाड़ी ट्रांसफर करवाने के बाद शाम हो गई थी तो वह अपनी बहन के यहाँ बांदा में रुक गया था और आज सुबह गुरुवार को बबेरू में आ रहा था, तभी मुरवल गांव के पास है अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही राहगीरों ने देखा तो परिजनों को सूचना दी और 108 एम्बुलेंस की मदद से बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर अस्पताल पर परिजन भी पहुंच गए। परिजनों ने मौत की खबर सुनी तो कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं पुलिस के द्वारा टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक अशोक कुमार 4 भाई थे, जिसमें तीसरे नंबर का था। वहीं अशोक कुमार की शादी हो गई थी, एक 6 माह का लड़का है, जिससे पत्नी गुड़िया देवी व अन्य परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार। अच्छा, ये घटना हुई है, ये आपके कौन है? छोटा भाई है। किस नंबर का है भाई? ये तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर, कैसे घटना हुई? ये बांदा गया था गाड़ी ट्रांसफर करवाने। अच्छा, और वापिस आ रहा था तो पता नहीं कैसे हो गया। ये कब गया था बांदा? ये कल गया था। तो क्या सुबह बांदा से चला है ये? हाँ, सुबह बांदा से चला। घटना कहे से हुआ? अब ये पता नहीं कि कैसे हुआ है, इसके पास बिक्की थी और पता नहीं कि कैसे हो गई, गिर गया या किसी से एक्सीडेंट हो गया, ये जानकारी नहीं थी। ठीक।